जब से आपकी बेटी हमारे घर में आई है ना, हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद होकर रह गया। अरे रोजाना कोई नया तमाशा। हम लोगों को मुश्किल में डालकर आप लोग अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा तो एहसास करें। अरे हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है? खालू, सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर मैं खामोश हूं, वरना क्या मेरा यही काम रह गया कि इसका आशिक जब चाहे मुझे बेइज्जत कर दे? लेकिन आपा, इस सब में मेहर की तो कोई गलती नहीं है ना? अरे तो फिर किसकी गलती है? हमारी? ये खूब रही भाई, हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी इज्जत रखी इस दिन के लिए कि वो लड़का आए और मेरे बेटे की बेइज्जती करके चला जाए। वाह भाई वाह समरीन, ये खूब रही हैं? बहन जी, उस्मान के साथ जो भी ज्यादती हुई है, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांग। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहन जी, मुझे माफ कर दे। रोज रोज हमें जलील करके तमाशा बनाने से बेहतर है हमें एक ही मर्तबा जान से मार दो। दबा दो मेरा गला, मार दो मुझे जान से, दबा मेरा गला, मार दो। जीते जी तो तुमने हमें मार ही दिया है, जान से भी मार दो। मैं ही ढीठ हूं जो इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद अभी तक जिंदा हूं। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। तुम जियो या मरो, रहना तुमने यही है, समझ लो इस बात को, आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। और अब अगर उस लड़के ने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जवार, जवार, बहुत गुस्से में गए, नहीं सुनेंगे।